सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप समझ गए होंगे कि आज 8 मार्च है, तो हम वुमेन्स डे का पोस्टर डिजाइन करेंगे। तो इस टाइप का पोस्टर मैं डिजाइन करना सिखाऊंगा। काफी सिंपल मेथड से मैंने ये वुमेन्स डे का पोस्टर डिजाइन किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। सबसे पहले तो मैं यहाँ कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका साइज मैंने 1000 पिक्सेल्स पर 1500 पिक्सेल्स दिया है। रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पे रखा है 72 पिक्सेल। देन क्रिएट कर देता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ मैं एसेट्स। यहाँ पे कुछ PNGs, कुछ इमेजेस, कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ऑलरेडी। तो सिंपली मैं यहाँ से जाके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है। अपने डॉक्यूमेंट में आके मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर को एड करूंगा जो कि सॉलिड लेयर में होगा, उसी बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर दूंगा। देन सिंपली मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके इन सभी PNGs में से कुछ PNGs यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड वाली जो PNG है हमारी इस वुमेन को, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ पे ड्रॉ एक सिंपल सा डबल एक्सपोजर इफेक्ट मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, लेकिन ये इफेक्ट डिटेल में नहीं होगा, काफ़ी सिंपल होगा। तो ये मेथड को देखते जाइए। इस इमेज को ड्रॉ करने के बाद में हमने सिंपल सी इस वाली इमेज को यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। ये बैकग्राउंड में थी, इसमें टॉप साइड में था यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसको प्लेस करने के बाद में मैं सिंपली इसको मास्क कर दूंगा ऑल्ट प्रेस करके। यहाँ पे देखिए आप एरो एक क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आप मास्क कर दीजिए ताकि ये इसके अंदर चले जाए। देन यहाँ पे सेकेंड इमेज को मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, इसकी ये वाली इमेज को, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। देन ऐसे धीरे धीरे करके मैं सभी इमेजेस को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हर इमेज को। नन वाली इमेज को मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा अपने मेन पोस्टर के अंदर। देन इसको मैं यहाँ पे होरिजेंटल में रोटेट कर दूंगा। इसको प्लेस करने के बाद में मैं इसको सिंपली इसके बैकग्राउंड में डाल देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे मास्क कर दूंगा। सभी लेयर्स को मास्क करने के बाद में हमारा काम यहाँ पे बच जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये वाली इमेज यहाँ पे कट हो रही है, तो मैं सिंपली ये वाली इमेज को यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ध्यान रहे कि ये सिलेक्ट रहे आपका, इस वाली इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वही इमेज सिलेक्ट हो जाएंगी। ऑल्ट प्रेस करके आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाए, यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पे मास्क के ऊपर ऑल्ट प्रेस करके आप क्लिक कर दें। देन सिंपली यहाँ पे आप ब्रश टूल को ले ले, याद रहे कि आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट हो। देन ब्रश का साइज सेट कर लेंगे, आपको जितना यहाँ पे पोर्शन चाहिए उतना पोर्शन आप यहाँ पे ब्रश कर सकते हैं। इसको मास्क करने के बाद में सिंपली यहाँ पे ये जो नन की इमेज थी उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देन इसको भी सिंपल मेथड के अंदर हम यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेंगे। देन इसके ऊपर भी एक मास्क क्लिक क्रिएट कर देंगे ऑल्ट प्रेस करके। ये ऑल्ट प्रेस करने से यहाँ पे निगेटिव मास्क बन जाता है, तो आप सिंपली यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट करके इसको आप फोरग्राउंड कलर को व्हाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका शॉर्टकट की मैंने एक्स प्रेस किया यहाँ पे, तो ये व्हाइट हो चुका है। देन मुझे इतना पोर्शन यहाँ पे मास्क के अंदर चाहिए, तो मैं इसको निकल लेता हूँ। देन इसका हैंड्स भी मैं यहाँ पे थोड़े से एक्सपोज कर देता हूँ बाहर के साइड में। देन इतना पोर्शन होने के बाद में हम सिंपली इन सब को सिलेक्ट करेंगे। देन कंट्रोल जी प्रेस करके यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद में यहाँ पे एक मास्क क्रिएट करूँगा। देन सिंपल सा यहाँ पे ब्रश की साइज मैं बढ़ा लूँगा, यहाँ पे सॉफ्ट वाला ब्रश सिलेक्ट करना है आपको। याद रहे कि आपका फोरग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो, तो इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रश कर दूंगा ये वाला इफेक्ट रेडी करने के लिए। देन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक पोस्टर टाइप लुक लेने लग रहा है यहाँ पे। देन हमने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ था, तो मैं उसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके ले आ रहा हूँ। टेक्स्ट को लेकर आने के बाद में मैं सिंपली इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, साइज एडजस्टमेंट कर देता हूँ। जो भी फॉन्ट मैंने यूज़ किया है इस लिस्ट के अंदर, इस पोस्टर के अंदर, तो मैं उन सब फॉन्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो इफ पॉसिबल मैं इस फाइल का पूरा सा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन टाइप फॉन्ट है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, तो आप भी ध्यान रखें कि इस तरह के सेरिफ फॉन्ट आप यूज़ करें आपके पोस्टर्स में। देन हमने यहाँ पे टॉप पे एक लाइन लिखना था, तो उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके ड्रैग करके लेकर आता हूँ। टेक्स्ट को लिखने के लिए मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करके नहीं बता रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे जो ड्रैग किया था उसी चीज़ को मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ था ऑलरेडी, मैं उसी को ड्रैग करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये पोस्टर मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ हैशटैग्स ऐड किए थे, कुछ आईडीज़ ऐड किए थे,
और सबसे बेस्ट मैंने जो ऐड किया था इसके बैकग्राउंड में ये वाला साइन था, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये साइन को मैं इसके बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ, इससे एक लुक आ जाएगा आपके पोस्टर को, काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे प्लेस करने के बाद में इसको मैं बैकग्राउंड के अंदर ड्रैग करके लेकर जाऊँगा। थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी मैं डाउन कर देता हूँ, ये दिखने में और भी कूल लगे। यहाँ पे मैंने मेरा लोगो रखा हुआ था, उसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। आपको जो भी कंपनी का लोगो है वो इस साइड में आप या टॉप साइड में आपको जहाँ पे भी बेस्ट लगे आप वहाँ पे ड्रैग करके ले जा सकते हो और वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 मार्च, सेम फॉन्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि एक बैलेंस बना रहे इस पोस्टर के अंदर। सो गाइस, इतना काम होने के बाद में आप चाहो तो इस तरह के कुछ प्लास्टिक वाले टेक्सचर्स या कुछ भी टेक्सचर्स आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैं सिंपली यहाँ पे एक टेक्सचर डाउनलोड किया था तो उसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। देन इसका ब्लेंडिंग मोड मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर देता हूँ, थोड़े से ओपेसिटी के अंदर मैं प्ले करूँगा यहाँ पे अराउंड इतना। तो गाइज ये वाला लुक जो है फाइनल लुक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।